बीते दिन यूपी 76 न्यूज ने बड़पुर ब्लॉक क्षेत्र के मुख्यालय से सटे ग्राम याकूदगंज की ग्राउंड रिपोर्ट खबर चलाई थी, जिसमें ग्रामीणों ने शिकायत पत्र जिलाधिकारी को देने की बात कही थी। इसी को लेकर याकूदगंज के मोहल्ला हाजीगंज के निवासियों ने जिलाधिकारी को सड़क के दोनों ओर नाले को बंद कर लेने के कारण होने वाले जलभराव, जो कब्रिस्तान व गलियों में भरा है, जिससे संक्रामक बीमारी फैलने का भी खतरा है, को लेकर प्रार्थना पत्र सौंपा। तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। याकूतगंज के मोहल्ला हाजीगंज के निवासियों ने प्रार्थना पत्र में बताया कि मोहल्ला हाजीगंज के दक्षिण की ओर सड़क के दोनों ओर के नाले जो याकूतगंज से नगरिया रोड से मुड़कर अवंतीबाई चौराहा तक जाते हैं और आगे कुंडा व चौसुर मार्ग पर चले जाते हैं, को किनारे के काश्तकारों ने ट्रालियों से मिट्टी डालकर पानी अवरुद्ध कर दिया है, जिसके कारण पानी का निकास नहीं हो पा रहा है और नाले का गंदा पानी कब्रिस्तान में कब्रों में भर गया है। समस्त कब्रें पूरी तरह गंदे पानी में डूबी हुई हैं और पास में ही ट्रांसफार्मर रखा है, जिससे पानी के भराव के कारण करंट उतर रहा है। इतना ही नहीं, गंदा पानी मुख्य मार्गों पर भी फैला पड़ा है, जिसके चलते जनहानि होने की प्रबल संभावना है। ग्रामीणों ने जिलाधीश से गुहार लगाई कि उक्त नालों की पैमाइश कराकर नालों को खुलवाया जाए तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। तदुपरांत ग्रामीणों ने यूपी 76 न्यूज को बताया। क्या नाम है दादा आपका? मोहम्मद मौसी शमसी। कहाँ से आए आप लोग? याकूतगंज। याकूतगंज क्या क्या समस्या लेकर आए आज डीएम साहब? समस्या ये है कि हमारे याकूतगंज में मोहल्ला हाजीगंज में जिसमें करीब 8-10 हज़ार की पॉपुलेशन है, सारे मोहल्ले का पानी का निकास दक्षिण हो जाता है। वो पानी आगे चल के अवंतीबाई मोड़ जो चौड़ा है उससे सीधा सीधा कुंडे में चला जाता और चौथुर मार्ग चला जाता। उस नाले के दोनों तरफ लोगों ने ज़बरदस्ती टाली में मिट्टी डाल के पड़ोसी खेत वालों ने और लोगों ने उस पर इंक्रोचमेंट कर रखा है, उससे पानी निकलना बंद हो गया, नाले जल भरा हो गया। पास में लगा हुआ कब्रिस्तान है और कई सारे मोहल्ले आपने अपने आपके अपने गांव में जो एक मुखिया जो बनाया है जी, उससे आपने संपर्क किया था? कई बार प्रधान से कहा, संपर्क किया गया, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप ऑर्डर करा गया, कोई फॉर्मल ऑर्डर तो हम कुछ कार्रवाई करें। श्रीमती माधुरी देवी। आज आप डीएम साहब से मिले? जी हाँ मिला डीएम साहब। क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब ने मेरे एप्लीकेशन को लिया, बड़ी सहानुभूतिपूर्वक उत्तर लिखा और बड़ा ही संतोषजनक उत्तर देते हुए कहा कि पिछले इसको एसडीएम सदर को मार कर रहा हूँ और उसमें एक राजस्व की प्लस पुलिस की एक टीम बना के उसका तत्काल एनफोर्समेंट करा रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। अच्छा, जो आप जहाँ पे जो गंदगी बता रहे हो उस एरिए में कितनी लगभग आप आबादी है? करीब करीब उस पूरे एरिए में करीब 7-7 हज़ार करीब आप पॉपुलेशन है सब, लेकिन जो करेंटली इफेक्टेड हो रहा है वो करीब 3 हज़ार लोग इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक, और उससे बीमारियाँ भी बहुत पैदा हो रही हैं, डेंगू टाइफाइड